नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद 15,000 पदों पे आईटीआई छात्रों को नौकरी मिलने वाला है। बहुत सारे नए नए बहाली आने वाली है। वैसे में क्या आप तैयारी कर रहे हैं? क्या आप आईटीआई करके कभी सोचे हैं कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए? अगर नहीं सोचे तो अभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि हमको भी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि लगातार बहाली आ रही है। बहुत पिछले 1.5 सालों से, जब से कोरोना है तब से किसी भी डिपार्टमेंट में बहाली नहीं आया, लेकिन आईटीआई के लिए लगातार सारे डिपार्टमेंट में बहाली आ रही है। वैसे में अगर आप बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हमें नौकरी मिलेगा, तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नौकरी उसी को मिलेगा जो इस लॉकडाउन का फायदा उठा रहा है, जो अभी से तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, उसको नौकरी तो मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी नौकरी मिले, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा कि आपको भी पढ़ना चाहिए। आप नहीं पढ़ते इसलिए आपको नौकरी नहीं मिलता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 2,41,000 मेंबर जुड़े हुए हैं। कहीं भी पूरे भारत में कोई भी प्लेसमेंट होता है आईटीआई को लेकर, कहीं भी कोई भी नोटिस न्यूज आता है, सबसे पहले इस ग्रुप में आपको पता चलेगा। इसके अलावा आपके पास कोई डाउट, कोई भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, आप ग्रुप में पोस्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मेरे अलावा ऐसे हजारों लोग हैं जो आपको रिप्लाई करते हैं। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का इन्फॉर्मेशन और किसी चैनल पर आपको नहीं मिलने वाला है। तो जल्दी से बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि लॉकडाउन के बाद ये 15,000 पोस्टों पे बहाली आने वाली है। और ये 15,000 पोस्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बताएंगे जिसका बहाली आ चुका है और एग्जाम होने वाला है, और इसके बाद हम बताएंगे इस साल कौन कौन से बहालियां और नई नई आने वाली है। जो अभी फॉर्म नहीं भरे आप लोग, जिसका रिजल्ट अभी आया है, उसको कौन कौन सा मौका मिल सकता है। लेकिन इन सारे मौकों का फायदा उठाने के लिए अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले बोरिंग टेक्नीशियन का। आप डेट देखिए, यहाँ पे पोस्ट डेट है 14/8/2019। ये 2019 में अगस्त में बहाल लिया था और इसका एग्जाम अभी होने ही वाला था कि लॉकडाउन दोबारा से लग गया। देखिए यहाँ पे जो नोटिस, लास्ट नोटिस आया था 24 मार्च को 2021 में कि आपका एग्जाम होने वाला है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से एग्जाम को रोक दिया गया, आगे इसका एग्जाम होगा। तो ऐसे में इसकी बहाली की बात करें, 486 पोस्ट था केवल आईटीआई के लिए। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये UPRVNL है। इसमें बहुत सारे बच्चों का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे को लॉकडाउन की वजह से कैंसिल कर दिया गया था, इनका भी एग्जाम अगस्त सितंबर तक संभावित है। ये जो बहाली आई थी 5 मार्च 2020 को आया था, और इसका अंतिम नोटिस था 24 अप्रैल को आया था कि कोरोना की वजह से इसका भी एग्जाम को रोक दिया गया है। टोटल बहाली 367 था, इसमें भी टोटल आईटीआई वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे। बात करेंगे तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसमें बहाली आया था 2020 में जून महीने में, और इसका एग्जाम हो ही रहा था तब तक लॉकडाउन लगा, इसका भी एग्जाम होने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसरो के बहुत सारे ब्रांचेस है। सतीश धवन है, विक्रम साराभाई है, सैटेलाइट सेंटर है, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो इसरो के साथ मिलकर काम करते हैं। और इसरो में इसके तीन डिपार्टमेंट में अलग अलग आईटीआई के लिए बहाली आया था। पहला था सतीश धवन स्पेस सेंटर, और इसका जो बहाली था 2019 में आया था नवंबर महीने में, 90 पोस्ट था, और इसमें आईटीआई के फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, आरएसी वाले अप्लाई कर सकते थे। इसके अलावा इसरो का ही दूसरा एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं UR राव, ये साइंटिस्ट है इसरो के, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया, UR राव सेटेलाइट सेंटर। और इसमें 182 पोस्ट निकाले गए थे फरवरी के महीने में 2020 में, और इसमें भी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, आरएसी, प्लम्बर, मशीनिस्ट, टर्नर, एमएमबी, वेल्डर, ये इतने ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते थे, और इसका भी एग्जाम अभी बाकी है। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई, इसरो का ही तीसरा ब्रांच है जिसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और इसमें 70 पोस्ट आईटीआई बच्चों के लिए। और ट्रेड की बात करें तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, आरएसी, प्लम्बर, मशीनिस्ट, टर्नर, एमएमबी, वेल्डर, और ये भी बहाली 2019 में दिसंबर के महीने में आई थी। हम अभी बिल्कुल 19 और 20 की बात कर रहे हैं, 21 का नाम भी नहीं लिया है। इतनी सारी बहालियां 19-20 में आया था जब भारत में लॉकडाउन लग गया था, सारा डिपार्टमेंट क्लोज था, लेकिन आईटीआई के बच्चों के लिए कभी क्लोज होता ही नहीं है, लगातार बहाली आती है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हम आर्मी का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO में 627 पोस्ट आया था, और ये जो पोस्ट आया था इसी साल आया था 19 फरवरी 2021 को,
और इसका भी एग्जाम अभी नहीं हुआ है, होने वाला है। और इसमें आईटीआई के सभी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते थे, आईटीआई के सभी ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते थे। बहुत सारे बच्चों ने भरा था, दो दो बार मौका दिया था फॉर्म भरने के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे इनको पता ही नहीं चलता। अरे फॉर्म भरिए, जब तक आप फॉर्म भर नहीं भरेंगे, एग्जाम नहीं देंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक बार तो तैयारी करके देखिए, एग्जाम देकर देखिए, हो सकता है आपका नौकरी मिल जाए। इसके बाद हम आपको बताते हैं ना कि कॉलेज, हॉस्पिटल, अस्पताल में भी बहुत सारे आईटीआई के लिए पोस्टर निकाली जाती है। यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईटीआई बच्चों के लिए बहाली आई थी और सीटों की संख्या 1145 था। सारे सीटों पे आईटीआई के नहीं था, लेकिन लगभग 500 के आसपास सीटों पे आईटीआई के बच्चों के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए थे। और ये जो बहाली आया था 24 फरवरी 2021 को आया था, और इसमें आईटीआई के सभी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते थे, ऐसा मौका मिलता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पर टेक्नीशियन का जरूरत पड़ता है, तो वहाँ पर आप लोगों को मौका मिल जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो बहाली है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NMDC में इसी साल बहाली आया था, 9/3/2021 को, 9 मार्च को बहाली आया था, और इसमें 304 पोस्ट थे। और इसमें पता है वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिस्ट, डीजल मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन वाले, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते थे। बहुत सारे बच्चे अप्लाई किए होंगे। ये बहाली 2021 का है। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL में 111 पोस्ट निकाली गई थी, और ये बहाली 16 अप्रैल को आया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCR में 337 पोस्टों पर बहाली निकाली गई थी, और ये बहाली 15/4/2021 मतलब 15 अप्रैल को आया था। और इसमें वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिस्ट, डीजल मैकेनिस्ट, मशीनिस्ट, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ये सभी ट्रेड वाले बच्चे अप्लाई कर सकते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेडिकेटेड फ्रंटियर कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL के बारे में, और इसमें 1074 पोस्टों पर बहाली आई थी, जिसमें 500 का समथिंग आईटीआई के लिए पोस्टर था। और यहाँ ये भी बहाली 24/4/2021 को अप्रैल महीने में आया था। अप्रैल महीने में लगातार बहाली के बाद लॉकडाउन लग गया, इसके वजह से बहुत सारी कंपनियां अपना रिक्रूटमेंट रोक दी, पेंडिंग में डाल दिया। लेकिन जैसे लॉकडाउन कंप्लीट होगा, कोरोना का प्रकोप कम होगा, बहाली और आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL में, जहाँ पे बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं, किसके लिए, एरोस्पेस के लिए, वहाँ पे बहाली आया था, 17 पोस्ट था। और ये जो बहाली आया था 21 अप्रैल को बहाली आया था, और इसमें टोटल सीटों की संख्या 17 था। आगे बढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल बोकारो, सेल दुर्गापुर, सेल भिलाई, तीनों जगह बहाली आया था, लेकिन एक जगह अभी एग्जाम हुआ है, बाकी का एग्जाम अभी पोस्टपोन्ड है, एग्जाम होने वाले हैं। वैसे में हम एक सेल बोकारो की बात करें तो 275 सीटों पर बहाली आया था 30/1/2019 को, मतलब 2019 में जनवरी में यह बहाली निकाली गई थी। और इसका लेटेस्ट अपडेट है 17/4/2021 को आया था नोटिस कि इसका एग्जाम होने वाला है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से एग्जाम को रोक दिया गया है, और लॉकडाउन के बाद इसका भी एग्जाम होने वाला है। तीन तीन सेल का जो ब्रांचेज है, तीनों में अलग अलग बहाली है, तीनों का एग्जाम अभी होने वाला है, हम एक का बता दिए, आगे तीन और हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ 15वां है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब SPMCIL, और ये भारत सरकार के टकसाल, जहाँ पे पैसे छापे जाते हैं, उसमें बहाली आया था, और 135 पोस्ट था, और ये बहाली 8/5/2021 को आया था, 8/5/2021 को मतलब मई में आया था। और इसका जो लास्ट अपडेट था 13/5/2021 को था कि एग्जाम अभी कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाता है, और आगे इसका भी एग्जाम होने वाला है। आगे हम बढ़ते हैं। तो पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड PSTCL में 501 पोस्ट पर बहाली निकाली गई थी लाइनमैन के लिए, जिसमें इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन वाले अप्लाई कर सकते थे, और ये जो बहाली था 6/4/2021 को निकाला गया था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड PSPCL में 2632 पोस्टों पर बहाली निकाली गई थी, और ये बहाली 22/5 को निकाला गया था, इसका भी एग्जाम अभी होना बाकी है। इसके बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए पंजाब में बहाली आई थी, जिसमें फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए मांगा गया था क्वालिफिकेशन। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जिसका हाल फिलहाल में बहाली आया था 4/5 को आया था, और इसमें सीटों की संख्या 137 था, एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSC में लाइनमैन की बहाली आई थी, और ये बहाली 2019 में जुलाई के आसपास बहाली आया था, और इसमें सीटों की संख्या 2865 था,
बहुत सारे बच्चे भरे थे, सारे राज्य पूरे इंडिया से फॉर्म भरा गया था। यहाँ पे अलाउ था, कोई भी स्टेट वाले फॉर्म भर सकता है। बहुत सारे बच्चे भरे थे, लेकिन आप लोग भूल चुके हैं। इसका भी एग्जाम होने वाला है और ये लॉकडाउन के बाद हमको लगता है जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में इसका भी एग्जाम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, इसका भी एग्जाम होने वाला है। ये भी बाहरी 2019 में आया था दिसंबर महीने में और सीटों की संख्या 273 था, जिसमें फिटर का 90 सीट था, इलेक्ट्रीशियन का साथ 30 या 20 सीटें थी, लेकिन फिटर का यहाँ पर बहुत ज़्यादा था। इसका भी एग्जाम लॉकडाउन के बाद होने वाला है। इस तरह से इतने सारे डिपार्टमेंट में बहाली आ चुका है, उसका एग्जाम होने वाला है। जो बच्चे फॉर्म भरे थे, सो गए थे, उनको जगाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया था। इसके बाद चलिए अब आगे हम बताते हैं कि कौन कौन सी बहाली है जो अभी आने वाला है, मतलब इस लॉकडाउन के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर तक कौन कौन सी बहाली है जो अभी आ जाएगी। पहला नंबर पर है बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर। बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बहाली आजकल लगा हुआ है, कभी भी बहुत जल्द आ सकता है। तो बिहार इसमें लगभग सीटों की संख्या 2200 के आसपास है। इसके बाद यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर, यहां भी सीटों की संख्या मुझे लगता है कि 4000 के आसपास रहेगा। यूपी में आईटीआई में इंस्ट्रक्टर की बहाली होगी, जो इसी साल आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इसके बाद झारखंड आईटीआई में इंस्ट्रक्टर की बहाली आ सकती है, यहाँ पे 1200 के आसपास पोस्टों की संख्या बताया जा रहा है। देखेंगे यहाँ पे तो 7000 तो बहाली यहीं पे हो गया। इसके बाद झारखंड ऊर्जा निगम में भी लाइनमैन की बहाली आने वाली है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो तो हर साल बहाली लेता है, इस साल पिछले 2020 से ही अभी तक बहाली नहीं आया है, मतलब इस साल बहाली आने की पूरी संभावना है। इसके बाद बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 2019 से भी आजकल मतलब पेपर में भी दे रहा था कि बहाली आने वाली है, लेकिन नहीं आ पाया है, बीच में चुनाव भी हो गया। अब जहां तक मुझे उम्मीद है कि इसका भी बहाली आ जाना चाहिए, लेकिन कंफर्म नहीं है, ये 50-50% है कि आएगा भी और नहीं भी आएगा, लेकिन चांसेस है कि आ जाना चाहिए। इसके बाद बात करें कोल इंडिया। कोल इंडिया का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि सितंबर अक्टूबर तक इसमें भी बहाली आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इससे पहले भी बहाली हुआ है, लेकिन और कोल इंडिया बहुत दिनों से बहाली नहीं हुआ है। इसके बहुत सारे माइंस है जहां पे आज भी वर्करों की भारी कमी है, तो इसका भी बहाली आ सकता है। नेक्स्ट है पीसर से पूरे भारत में 300 से ज़्यादा कंपनियां हैं भारत सरकार का, जिसको हम पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उसमें हर किसी न किसी में हर महीने बहाली आती रहती है, इतना सारा मैंने बताया था। ये सारे पीएसयू है तो हर महीने में 2 या 3 पीएसयू में बहाली तो आती रहती है, तो कंफर्म नहीं होता किस में बहाली आने वाला है। 300 है तो किसी न किसी में आता रहता है। इसके अलावा मेट्रो की बात करें, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 20 नए शहरों में मेट्रो का निर्माण चल रहा है और आने वाले ये जो साल है लास्ट दिसंबर तक सारे मेट्रो के काम पूरे हो जाएंगे, जिसमें बनारस है, कानपुर है, पटना है, इंदौर है, इस तरह से बहुत सारे शहर हैं जहां पे मेट्रो का निर्माण बहुत तेजी से किया जा रहा है, लॉकडाउन में भी किया जा रहा है। और यहां पे जब मेट्रो का निर्माण होगा तो बहाली चाहिए, क्योंकि वहां पे काम कौन करेगा, टेक्नीशियन कहां से मिलेंगे, और इसके लिए बहाली आएगी। वैसे में बहाली की प्रक्रिया 1 साल पहले शुरू कर दी जाती है रनिंग से, तो दिसंबर तक मुझे लगता है कि 3-4 मेट्रो पटना, बनारस, कानपुर, इंदौर, इस सब में बहाली आ जाएंगी। तो वैसे में अगर आप अभी से तैयार रहेंगे, अभी से पढ़ाई करेंगे, तो आने वाले दिनों में मैं 100% गारंटी देता हूं कि इतनी सारी बहाली आती है, कहीं ना कहीं आपका नौकरी लग जाएगा। इसलिए आप चाहते हैं सरकारी नौकरी चाहते हैं, आईटीआई के बाद गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो मेरे यहाँ इजी वे कोचिंग में लगातार ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है। अब ऑफलाइन नहीं भी आएंगे तो ऑनलाइन बिल्कुल ऑफलाइन जैसा ही आपको मिलेगा माहौल। यहाँ पे वीडियो लेक्चर हम लोग देते हैं, इसके बाद एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट दिया जाता है और उस प्रैक्टिस सेट का हम वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसके बाद जूम मीटिंग लेते हैं, जूम मीटिंग पे कोई भी डाउट होता है इसके बाद उसका भी वीडियो बनाकर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो, आपको कोई लेक्चर नहीं समझ में आया हो, तो आप डायरेक्ट हमारे फैकल्टी से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, आपको तैयारी करने में किस तरह से तैयारी करना चाहिए, आप पूरी तरह से सलाह लेकर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इजी वे कोचिंग ज्वाइन करना, तो आप हमारे वेबसाइट www.easywayglobal.org आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए। आप जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, सबमिट करेंगे, इसके बाद हमारे काउंसलर द्वारा आपको कॉल किया जाएगा, आपको हम लोग गाइडलाइन देंगे। फ्यूचर में कोई भी नया बैच आएगा, कोई भी नया अपडेट आएगा इजी वे में, आपको हम लोग कॉल करके सूचित करेंगे, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। इस रजिस्ट्रेशन करने से फ्यूचर में आपको बहुत सारा फायदा भी मिल सकते हैं, बहुत सारे फ्री के जो प्रोडक्ट होंगे वो आपको हम लोग सेल आउट कर दें। इसके अलावा हमारे कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप हमारे सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आज
देर मत कीजिए, जल्दी से मोबाइल उठाइए और हमारे टेलीकॉलर के पास कॉल कीजिए और बात कीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी बहाली आने वाली है, क्लास कैसे चलता है, क्लास की टाइमिंग क्या है, सारा जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बस इतना ही था, आगे फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।